7 अप्रैल का दिन चुनावी हलचलों से भरा रहा। यूपी के देवबंद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने मंच पर एकजुटता दिखाते हुए रैली को संबोधित किया, जहां तीनों पार्टी के अध्यक्षों ने अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है, बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में या फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे वो बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने आपने जनाए कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उधर सत्ता पर वापसी की राह देख रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा तय कर लिया है। पार्टी अब होगा न्याय के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के इस न्याय में न्याय का मतलब न्यूनतम आय योजना है। दरअसल इस न्याय के सहारे ही कांग्रेस गरीबों को साध रही है। हमारा प्रचार अभियान 2019 का सरल है, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। अपनी प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं कि देश में जो लोगों की सही माने में भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए, राष्ट्र की प्राथमिकता को समझते हुए, समाज के हर वर्ग में जो पीड़ा है, वेदना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये अभियान न्याय पर है। कांग्रेस जहां अब होगा न्याय के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं भाजपा ने भी पार्टी की टैगलाइन और थीम सॉन्ग को जारी किया है, फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। भीड़ देखकर मोदी ने कहा कि आपके मोदी मोदी के नारे को सुनकर किसी की नींद उड़ जाती है। आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर, पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप एक बार फिर चर्चाओं में हैं। महागठबंधन में सीटें मांगने वाले तेज प्रताप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राष्ट्रकवि दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियां शेयर कर अपने ही छोटे भाई पर वार कर दिया। तेज प्रताप ने लिखा कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस पर विरोधियों ने चुटकी लेनी शुरू की तो ट्विटर पर ही उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया। तेज प्रताप ने ट्वीट किया कि जो भी मेरे और मेरे परिवार के बीच आएगा उसका सर्वनाश निश्चित है। तो कुल मिलाकर 7 अप्रैल का दिन चुनावी शोरगुल और नए नारों से भरा रहा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।